What is up guys, welcome back to another video. And भाई इस वीडियो में भाई हम बात करने वाले हैं about the Brezza. This is Brezza top model ZXi Plus. ये गाड़ी आपकी पेट्रोल के अंदर देखने को मिलती है. This is ZXi Plus top of the line 1500cc का पेट्रोल इंजन आपको देखने मिलता है इसके अंदर, जो कि आपको 102 bhp के करीब करीब पावर जनरेट करके देता है. आपको इसके अंदर भाई सनरूफ देखने मिलती है, रूफ रेल्स देखने मिलते हैं, एलईडी सेटअप देखने मिलता है, डुअल प्रोजेक्टर टाइप एक बैरल देख रहे हो, बढ़िया लगते हैं, अलॉय व्हील देखने मिलते हैं डायमंड कट डिजाइन के साथ, रिक्वेस्ट सेंसर इधर भी है, रिक्वेस्ट सेंसर उधर भी है, 360 कैमरा देखने को मिलता है, शार्क फिन एंटीना देखने मिलता है. एक पीछे से जो प्रोफाइल है इस गाड़ी की, एक रेंज रोवर वाला जो फील है भाई, ये गाड़ी आपको पूरा पूरा देखने को देती है. Brezza नाम है, मारुति इसको बेचता है भाई, नेक्सा पे नहीं मिलती है, नॉर्मल डीलरशिप से आपको देखने को मिलती है. काफी प्रीमियम, अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है. सब कॉम्पैक्ट 4 मीटर एसयूवी के अंदर आप बात करते हो भाई, लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, काफी बड़ा मार्केट है. वेन्यू मिलती है, सोनेट मिलती है, एक्सयूवी 300 मिलती है, नेक्सॉन मिलती है. भाई नेक्सॉन तो आपका काजीरंगा ये खड़ा हुआ है यहाँ पे. ये जो गाड़ी है आपकी, ये भाई करीब 5-6 गाड़ियों का एक गुट है आपका, जो अलग कंपनियां बनाती है, बट भाई Brezza इज लाइक ऑलमोस्ट द टॉप सेलिंग. ये एक टॉप सेलिंग गाड़ी है, बढ़िया बिकती है, बिकॉज हाँ यार ये गाड़ी काफी काबिले तारीफ है. पूरी बात करता हूँ क्या चीज कैसा भाई, ये चाबी है, इस पे कवर लगा हुआ है, की जोन कंपनी का कवर है. ये कवर करीब 100-150 रुपए का आता है. स्मार्ट की आती है, 2 बटन वाली, इससे होती है लॉक, लॉक करती है और VM फोल्ड, इससे होती है भाई गाड़ी आपकी अनलॉक. एंड दोबारा अनलॉक करता हूँ तो अभी ना आपको ये वाला डोर ओपन नहीं हुआ होगा, देख रहे हो, दोबारा अनलॉक करूंगा तब आपका भाई ये वाला डोर उसका एक ओपन होता है, ठीक है. तो ऐसा करें सिंपल सा हिसाब है, जैसे ही इग्निशन ऑन करूंगा ओवरवीम तब खुलते हैं, और लॉक करने में ओवरवीम आपके बंद हो जाते हैं. ये गाड़ी बढ़िया लगती है. अब फ्रंट से एक बार बात करते हैं क्या चीज कैसे भाई, आपको इसके यहाँ जो सेटअप देखते हो, दिस इज एलईडी, एक बार ऑन करता हूँ उसको, तो भाई आप ये देख रहे हो उसका जो हेडलाइट सेटअप है, दिस इज द हाई बीम, दिस इज द लो बीम, इंडिकेटर आपको उसका स्वाइपिंग वगैरह देखने मिलता है, बट हाँ एलईडी 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 डीआरएल एक एरा ऐसे कर अंदर उसके डीआरएल आपको देखने मिलता है. नीचे की तरफ आपको फॉग लैम्प देखने मिलता है, दैट इज ऑल्सो एलईडी एलईडी, रिफ्लेक्टर बेस्ड है उसके अंदर, लुक्स गुड, बढ़िया लगता है. बीच में आपको भाई क्रोम का काफी अच्छा काम है, सैट एंड डार्क एक टच देखते हो बढ़िया लगता है, एंड ऊपर भी क्रोम है, ये भी क्रोम है. नीचे की बात करो नंबर प्लेट आपकी यहाँ पे आएगी, 360 कैमरा के लिए कैमरा आपका यहाँ पर प्लेस है इसके अंदर, नंबर प्लेट आ गया आपकी यहाँ पर. नीचे देखते हो स्किड प्लेट इज इन सैटिन सिल्वर, एक टच अच्छा लग रहा है. हेडलैम्प भाई बहुत ज्यादा अग्रेसिव लग रहे हैं, काफी स्पोर्टी सा एक बढ़िया सा कैरेक्टर आपको ये गाड़ी देखने को देती है. 2 वाइपर आपको इसमें देखने को मिलते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स वगैरह भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं. फ्रंट की बात करता हूँ तो दिस इज द क्लैडिंग जो अलग से एक्सेसरी के रूप में लगी है. पहिए के अंदर आपको 5 नट, हब कैप पे सुजुकी का लोगो एंड डायमंड का डिजाइन देखने को मिलता है. टायर सेक्शन की जब मैं बात करता हूँ तो टायर सेक्शन इज 215/60R सोल है, 16 इंची का पहिया आपको इसमें देखने को मिलता है, दैट इज आई वुड से डिसेंट इन साइज. पर मोटी मोटी बात क्या है भाई, गाड़ी बढ़िया लगती है. भाई गाड़ी आपकी डिटेलिंग बोल पे आगरा पे आई हुई है, पहिए वगैरह मैं आपको दिखा दिया, भाई गाड़ी का इंजन बे को मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको क्या चीज है. ORVM पे देख रहे हो, आपको नीचे कैमरा देखने मिलता है. तो दिस इज फॉर द 360, यहाँ से फ्यूल लिड ओपन होती है एंड यहाँ से आपका हुड ओपन होता है. इसके अंदर भाई आपको 1500cc का K15C पेट्रोल इंजन आपको देखने मिलता है, करीब करीब 1462 1462cc का इंजन है. तो एक बार हुड को करता हूँ ओपन एंड यहाँ से ऐसे उठाओ भाई, आई वुड नॉट से कि ज़्यादा भारी है, बट हाँ ठीक ठीक वेटेड है. इसका आपको जो इंजन देखने मिलता है K15C 102 bhp की पावर एंड 137.8 Nm का टॉर्क. अंडर बॉडी एक छोटी सी कवरिंग लग रही है वहाँ की तरफ, बैटरी एरी फ्यूज बॉक्स एरा आपका ABS मॉड्यूल वहाँ पे फ्लैशिंग इधर की तरफ आपका लगा हुआ है, डिसेंट है. वॉशर फ्लूड आपका यहाँ से डलेगा इसके अंदर, डैम्पिंग लग के आ रही है पेट्रोल इंजन के साथ. आई वुड नॉट से कि ज़्यादा भारी है, मतलब यार हल्का ही है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है. बिल्ड क्वालिटी वाइज ठीक ठीक लग रही है मेरे को, बट ठीक है चलो यार. मारुति की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी, बंद करते हो ऐसे करके बंद हो जाती है आपकी, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी सेल होती है इस गाड़ी के अंदर. आपको यहाँ पे अलॉय व्हील आपको दिखा दिया, फ्रंट मिलता है, डिस्क पीछे मिलता है आपको, ड्रम ब्रेक, पेट्रोल डलता है यहाँ से, DFVF का कोई नाटक नहीं है क्योंकि इसमें यूरिया वगैरह डलता, यूज़ अप टू E20 पेट्रोल जो आपका आजकल नए नॉर्म्स आ रहे हैं. इथेनॉल वाला जो पेट्रोल आएगा वो गाड़ी इसमें भी आप इसको डलवा सकते हो, ठीक है, यहाँ से आपको पेट्रोल डलेगा. तो भाई करीब करीब 48 लीटर्स की इसमें टंकी देखने को मिलती है, ठीक है ना. बंद करना है ऐसे करके बंद, यहाँ से नहीं खुलता, खुलता अंदर से ही आपका. यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर उधर ही मिलता है, रिक्वेस्ट सेंसर उधर ही मिलता है. ORVM पर भाई आपका कैमरा देखने को मिलता है, लाइक फ्रंट में कैमरा, पीछे कैमरा, ORVM पे यहाँ पे कैमरा नहीं, ORVM पे उधर कैमरा, 4 कैमरे आते हैं आपके इसके अंदर. खोलना है तो भाई ऐसे करके खुलता है, लॉक करनी है तो ऐसे करके लॉक कर दो, देखो देखो देखा, लॉक करा दो. अब दोबारा खोलता हूँ आपका, एक बार में खुल गया है, ऐसे करके हो जाता है बंद, ठीक है. मोटा मोटा क्या है, बढ़िया हिसाब किताब देखने मिलता है. पीछे आते हैं भाई, Brezza की ब्रांडिंग, सुजुकी की ब्रांडिंग, डिफॉगर एरा, वाइपर एरा आपका इसके, हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पर है, वॉशर फ्लूड यहाँ से लेगा, शार्क फिन एंटीना वहाँ देखने मिलता है, एंड इंटीग्रेटेड ये स्पॉइलर देखने को मिलता है आपको इसके अंदर पे. ऐसे करके खोलना है भाई इसको,
ऐसे कर खोलने के लिए भाई क्या है? तो बूट अप ओपन हुआ इसका, मैं लॉक ओपन कराया, आप देखो ऐसे कर खोलो। हाइड्रोलिक्स आपको नॉर्मल वाले देखने मिलते हैं, पार्सल शेल्फ लग के आती है, टॉप मॉडल है, काफी अच्छी क्वालिटी की पार्सल शेल्फ आपको देखने मिलती है इसके अंदर। यहाँ पर भाई आपको इसके लैंप वगैरह कुछ भी देखने मिलता है, बट आपको लैंप इधर देखने मिल जाता है एंड जैसे येलो लाइट ऐसे करके बंद ऐसे करके ऑन, सही सही काम करता है। हुक वगैरह ये रहा यहाँ पे, इसको उठाना है, ये देख लो पहिया आपका जो रखा हुआ है 215/60R16, तो आप देख रहे हो सेम सेक्शन का टायर है, नो कॉस्कटिंग एलॉय डलवा लो बढ़िया हो जाएगा। जैक वैक टूल आपके सब चीज यहाँ पे रखी हुई है एंड थोड़ी बहुत जगह भी है भाई ऐसे करके इसको लाइक नॉर्मली ये देखो ऐसे करके बंद हो जाता है, काफी थोड़ी बहुत जगह यहाँ पर भी आती है। 328 लीटर का बूट स्पेस आपको भाई ये गाड़ी ऑफर करती है। प्रोफाइल वाइज काफी सेक्सी सी, काफी बढ़िया सी लगती है, देख रहे हो प्रोफाइल में काफी बढ़िया लगती है गाड़ी देखने के अंदर। बंद करना है तो भाई ऐसे करके कर दो बंद इसको, ऐसे करके एक बार बंद। ब्रीजा की ब्रांडिंग भाई ब्लैक आउट रहा तगड़ा ऐसा भाई, लगती बहुत सुंदर है देखने के अंदर है। बाकी रिवर्स में 4 पार्किंग सेंसर 1, 2, 3, 4 स्किड प्लेट पे एक पैटर्न देखने को मिलता है ऐसा करके, रिफ्लेक्टर एरा एंड कैमरा यहाँ पर प्लेस है आपका इसके अंदर, ठीक है। ये हो गई मोटी मोटी बाहर की बात, आपका सीन है। विंडो लाइनिंग पे आपको भाई पूरा क्रोम लग के मिल रहा है इसके अंदर, दैट इज फ्रॉम द कंपनी बिकॉज भाई इसका टॉप मॉडल है, इसमें लग के आता है। ये एक्सेसरी लगे हुए हैं व्हील आर्चेस पे, देख रहे हो ये सब एक्सेसरी का पार्ट है। रूफ रेल लग के आते हैं, डोर वाइजर लगवाए हैं कस्टमर ने अपनी चॉइस के हिसाब से एंड डोर को खोलता हूँ एक बार तो पल्ला भी काफी सही लगता है। एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह भी आपको इसमें यहाँ पे देखने को मिलती है, फैब्रिक एरा एंड यू कैन सी ऑटो डाउन, वो सब चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। एक बार अंदर बैठते हैं कैसा फील है, क्या चीज है। तो भाई आपका ये जो है दिस इज द हेड्स अप डिस्प्ले, पप्पा वहाँ पे विराजमान है एंड यू कैन सी ऑटो डाइमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर देखने को मिलता है, यहाँ पे टिकट होल्डर मिलता है देखने के अंदर। बंद करता हूँ डोर को, खोलते हैं भाई एक बार इग्निशन को ऑन, गाड़ी स्टार्ट। जैसी गाड़ी स्टार्ट होती है और भी आपके होते हैं ओपन एंड भाई आपका जो हेड्स अप डिस्प्ले है इसको आपको खोलना है, ये बटन यहाँ प्रेस करो, यहाँ प्रेस करना पड़ता है, यहाँ से आपका हेड्स अप डिस्प्ले ओपन एंड खुल के आ गया। ये देखो क्या तगड़ा लग रहा है, देख रहे हो स्टार्टिंग लिख के आ रहा है हेलो। ये देखो दिखाऊं, ये RPM को देखना, सुनाई दे रहा है करीब 4000 तक RPM ज्यादा भाई, तगड़ा हेड डिस्प्ले और बढ़िया लगता है देखने के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। न्यूट्रल के अंदर गाड़ी आपका AC को ऑन करना भाई, यहाँ से आपका हो जाता है AC ऑन एंड यहाँ से करके टेम्परेचर को डाउन, फैन की स्पीड को बढ़ाना है, यहाँ से फैन तेज हो जाएगा आपका, ठीक है। स्क्रीन को ऑन करना है, यहाँ से आपकी स्क्रीन ऑन। स्मार्ट प्लस प्रो आता है, इसके यहाँ बड़ी वाली स्क्रीन है, पियानो का सराउंड है, पियानो ब्लैक के अंदर बढ़िया लगती है। स्क्रीन पे आपको एक स्टीयरिंग से बात करते हैं, लेदर स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, फ्लैट बॉटम विद सैडन टचेस, यहाँ पे आपको टेलीफोनिक कंट्रोल, यहाँ पे आपको वॉल्यूम एंड मीडिया कंट्रोल, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के बटन है, हॉर्न एक बार बजाऊं गाड़ी का, यू कैन सी सही है। 2 ट्विटर 4 स्पीकर का सेट इसमें देखने को मिलता है एंड RPM का जो गेज है आपका यू कैन सी देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो क्लस्टर, क्या प्यारा क्लस्टर लगता है देखने के अंदर। बट भाई इसका एक दिक्कत क्या लगती है, डंडियाँ आपको देखने मिलती है, ये ट्रिप के लिए यहाँ पे लिख रहा है एंड दिस फॉर द टॉगल वॉगल करना है। ट्रिप देखते हो तो यू कैन सी ट्रिप है, ट्रिप भी यहाँ पे देखो थोड़ा जूम कर दूँ, ट्रिप भी है, ये ट्रिप है, ये यहीं से कंट्रोल हो रही है आपकी, ठीक है ना। अब क्या सीन है, ये वाला जो है आपका इससे आपका क्या होता है, ये चेंज हुआ, यू कैन सी कैसे कैसे क्या रहा है, आपका ड्राइविंग टाइम बताएगा, यहाँ पे क्लॉक आ जाती है, यहाँ पे मोशन आ जाता है, यहाँ पे टॉर्क, ये देखो जब एक्सीलेटर देता हूँ ना तो टॉर्क वर्क, एक्सीलेटर के जब ब्रेक दबाऊंगा ये देखो ब्रेक दबाया तो लाल आएगा, एक्सीलेटर दूंगा तो आया, ब्रेक दबाऊंगा तो लाल आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये ब्लैक हो गया पूरा आपका, ये आपके माइलेज दिखा रहा है, 14 का माइलेज दे रही है गाड़ी, करीब करीब 1000 किलोमीटर की आपकी ट्रिप दिखा रहा है इसके अंदर पे। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भाई आप कोई भी मॉडल खरीद लो, बेस मॉडल से आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे सैटिन के टचेस, ब्लैक टचेस आपका, यहाँ पे ब्राउन, यहाँ पे सैटिन, काफी सारी चीजों में प्ले हुआ है। यहाँ पे आपका देख रहे हो दिस इज द पियानो ब्लैक, दैट इज लुकिंग ग्रेट टू मी, बढ़िया लग रहा है। इधर की बात करते हो यू हैव द वाइपर कंट्रोल्स एंड यू कैन सी यहाँ से आपको फ्रंट वाइपर इज वर्किंग ग्रेट, बढ़िया काम कर रहा है एंड रियर वाइपर की कंट्रोल आपको यहीं पे देखने मिलता है, लेकिन रियर को चलाना है तो पीछे भी आपको वॉशर वगैरह मिलता है। यहाँ की बात करते हो ऑटोमेटिक हेडलाइट्स वगैरह देखने मिलता है, फॉग लैंप वगैरह देखने मिलते हैं आपको। स्टीयरिंग की एक बार बात करूँ तो वी हैव लाइक, अबे काफी लूज है यार स्टीयरिंग, मतलब इट्स लाइक टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ, भाई बहुत बढ़िया टिल्ट भी आ रहा है, टेलीस्कोपिक दोनों चीज आपको इसमें देखने को मिल जाती है, बढ़िया चीज है भाई इस प्राइस पे, काफी बढ़िया टच दे दिया मारुति ने, वेल डन भाई। यहाँ पे USB एरा, यहाँ पे 12 वोल्ट के टैंक्स वगैरह आपको यहाँ देखने मिलता है। दिस इज द वायरलेस मोबाइल चार्जर, 5 गियर 1 रिवर्स, जैसे ही रिवर्स को एंगेज करेंगे तो यू कैन सी रिवर्स मैंने डाला एंड दिस इज द कैमरा, काफी सही क्वालिटी है, 360 के अंदर आप देख सकते हो क्या व्यू दिखा रहा है ना, बढ़िया देखने में काफी क्लासिक लग रही है, बढ़िया लग रही है। इंडिकेटर्स वगैरह 1000 लैंप आपके यहाँ से ऑन होते हैं, ये देखते हो यहाँ से इसको, अभी कैमरे को ऐसे करते हैं, अब यहाँ पे गया मैं मेन्यू के अंदर एंड नीचे तरफ को भाई AC के 2 वेंट इधर है, 1 वेंट उधर है, 1 वेंट इधर है आपको, उसके भाई करीब करीब भाई 6 एयरबैग्स देखने मिलते हैं, सर्विस एयरबैग की ब्रांडिंग ये रही उधर है आपको, यहाँ पे कर्टन एंड वगैरह सीट के अंदर भी देखने मिल जाते हैं, इन पर आप कवर नहीं चढ़वाना, ये देख रहे हो सर्विस एयरबैग की ब्रांडिंग। हाइड्रेट जैसे सीट वगैरह देखने मिलती है, हैंडल वगैरह ये रहा, सनरूफ ऊपर आपको देखने को मिल जाती है एंड यू हैव द मिरर विद द लाइट, यहाँ से करके ऐसे ऑन, यहाँ से करके ऑफ, ऐसे मिरर मिलता है आपको उसके अंदर। सनरूफ को ओपन करना है तो वी हैव लाइक 1 टच सनरूफ, अपने आप पीछे जाएगी पूरा, और पीछे जाती है क्या, हाँ इतना पीछे जाएगी, काफी पूरी अंदर घुस जाती है, काफी बड़ी ओपन हो जाती है एंड बंद करते हो
वैसे करके भाई एक टच में आपकी सिंगल मिलेगा, आगे आ गई बंद हो गई है, ऐसे करके इसको कर दो बंद, ठीक है ना। काफी धूप आती है ऐसे सनरूफ से, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। बारह बोल के चंग सॉकेट सब चीज दिखा दी मैंने। फिनिश यहाँ पे आप देखते हो सैटन वैटन के टचेस वगैरह देखने मिलते हैं, इसी वजह से लो करना है यहाँ से। देखो आवाज सुनना, आवाज सुन रहे हो, कितनी प्यारी आवाज है, आवाज़ बहुत अच्छी करते हैं। ऑटो ऑफ वगैरह सब चीज़ यहाँ पे देखने मिलती है एंड फील इज़ वेरी गुड, बढ़िया लगा मेरे को देखने के अंदर। बाकी जिसका भी हेडअप डिस्प्ले के आपके जो बटन वगैरह मिलते हैं आपको यहाँ देखने मिल जाते हैं, दीज आर फॉर द हेडअप डिस्प्ले। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, रियर व्यू मॉनिटर, जैसे हम इसको मॉनिटर को ऑन करते हो तो वी हैव टू चेक द सराउंडिंग फॉर सेफ्टी। पॉज करना है तो भाई ऐसे करके यहाँ से हो जाता है, पॉज काम क्यों नहीं कर रहा, हाँ यहाँ से पॉज हुआ है ना, तो भाई यहाँ से आपको मॉनिटर का ट्रैक्शन और हेडलाइट लेवल है, पुश बटन स्टार्ट आपको यहाँ देखने मिलता है। नीचे की तरफ आपको भाई फ्यूल लिड ओपन करना है, डिग्गी को ओपन करना है, डोर के पल्ले आपको हैंडल मिलता है डाडर इन द क्रोम फिनिश, फोल्ड करना है यहाँ से, फोल्ड यहाँ से करते हो भाई, यहाँ से आपके अनफोल्ड, ऑटो डाउन ऑटो अप, दोनों चीज़ ऑटो डाउन ऑटो मिलती है ओनली फॉर द ड्राइवर। लॉक अनलॉक, लॉक अनलॉक, ठीक है ऐसे करके बंद करा ये लॉक, फील इज गुड, ठीक है। एडजस्ट करना यहाँ से कर सकते हो, ये चाइल्ड लॉक के लिए मिल जाता है आपको, बाकी ये नॉर्मल सही है। हैंडल वगैरह का फील और बेटर हो सकता था यहाँ पे, दिस इज नॉट लेदर, ये काफी थोड़ा चीप सा फील हो रहा है मेरे को। एमिनेंट लाइटिंग तो आपकी भाई इसके अंदर आती ही आती है, यहाँ पे आपको डोर के अंदर एमिनेंट लाइटिंग देखने को मिल जाती है, ब्लू कलर की देख रहे हो आप, ये लाइट जो देख रही है दिस इज एमिनेंट लाइटिंग, सही लगती है। सीट वगैरह कवर आपके कंपनी से डले हुए हैं, कुशनिंग इज वेरी सॉफ्ट। लॉन्ग जर्नी पे आई डोंट थिंक कि भाई थोड़ी रहेगी आपको सपोर्ट देगी, बिकॉज ज्यादा सॉफ्ट है यार, इससे कमर वगैरह दर्द होगा। यहाँ पे आपको आमरेस वगैरह देखने मिलता है, थोड़ी बहुत जगह है इसके अंदर, एंड दिस इज द स्लाइडिंग आमरेस, या स्लाइडिंग आमरेस आपको देखने को मिलता है इसके अंदर। बाकी ये तो पांच गियर एक रिवर्स दो कप होल्डर, थोड़ी बहुत जगह यहाँ देखने को मिलती है। चलते हैं भाई बैक सीट पे क्या चीज कैसे, वो भी दिखाता हूँ। ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर आपको बीच में आ गया, सनग्लास होल्डर यहाँ पे देखने मिलता है, यहाँ पे आपको पीली लाइट उनको एलईडी करा लेना यार, बिकॉज बहुत भद्दी लगती है पीली लाइट, तो किसी दिन की लगती गाड़ी के अंदर। चलते हैं भाई बैक सीट पे एक बार, कैसा फील है क्या फील है, तो एक बार चलते हैं बैक सीट पे। डोर ओपन करा मैंने तो हेडअप डिस्प्ले के अंदर डोर दिखा रहा है आपका, देख रहा हूँ देखो डोर ओपन करा ना मैंने तो दिखा रहा डोर ओपन हुआ है। चलते हैं बैक सीट पे, ठीक है। ये यार गाड़ी के अंदर पल्ला वल्ला ना बिल्ड क्वालिटी बड़ी तगड़ी लगती है देखने के अंदर, तो मेरे को दो बॉटल यहाँ रखी हुई है, मतलब सही है यार, दो बॉटल डाल दी है और क्या चाहिए आपके। इसके भाई जो स्कफ प्लेट डले हैं दीज आर फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से ही डले हुए हैं एंड यहाँ पे बैठते हैं भाई। ये देख रहे हो ये सीट को काटा गया है यार, मतलब कितनी महंगी सीट थी ऐसे काट दिया भाई सिर्फ इस चीज़ के लिए। अबे यार ये क्यों काट दिया, मतलब हट दे, इतने महंगे सीट कवर हैं भाई फालतू में काट दिया भाई इसको तो, हट दे यार बहुत गंदा लग रहा है यार, ऐसा क्या गंदी तरह काटा है ना बिल्कुल। बंद करता हूँ भाई यहाँ से करके, बंद करते हैं इसको। क्रोम डोर हैंडल यहाँ पर है आपका, लॉक यहाँ से, पावर विंडो डाउन यहाँ से, एंड दिस इज फॉर द एमी लाइटिंग आपको यहाँ देखने मिलती है। दो बॉटल होल्डर है पावर विंडो डाउन आपके लिए यहाँ पे मिल जाता है, पीछे आपको कोई जगह नहीं मिल रही यहाँ पे ना, आपको इधर जगह मिलती है बट पहले पॉकेट आते थे लाइक कवर जो चढ़ाते उस कवर के अंदर कुछ नहीं है, एंड इधर भी आपको जगह मिलती है। दो पॉइंट आपको यहाँ देखने मिलता है, एक नॉर्मल यूएसबी सी एक नॉर्मल यूएसबी वाला, दो पॉइंट है आपके, दो एसी के वेंट, यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हो फैन की स्पीड को धीरे धीरे क्या करना है आपको। एमी प्योर वहाँ रखा हुआ है आपका इसके अंदर, एंड सनरूफ यहाँ पे आती है लाइक देख रहे हो ये जो घूम रहा है ऐसे करके ऊपर जा रहा है ना, तो ये सनरूफ एरिया खा दिया इतना हेडरूम के अंदर से। लैंप देखना कहाँ दिया है, कहाँ पीछे जाके लैंप दिया है यार, मतलब हद है बिल्कुल, पीछे धर दिया लैंप को, कोई जगह है ये लैंप लगाने की जगह होती है बिल्कुल पीछे। चलो यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इसको एक बार ओपन करके दिखा दूँ। ये कप होल्डर के साथ आपको आमरेस देखने को मिलता है इसके अंदर, यहाँ से ओपन नहीं होता, हार्ड प्लास्टिक वगैरह। ये सीट काफ़ी अच्छी सी लग रही है मेरे को इसके अंदर, बट हाँ नी रूम इज लाइक थोड़ा कम मैं बोलूँगा, अंडर साइड सपोर्ट भी काफ़ी लैक कर रहा है भाई, अंडर सपोर्ट लैक कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो यही है लॉन्ग डिस्टेंस पे क्या है थोड़ी सीट खड़ी सी है भाई, और रिक्लाइन आप इसको कर नहीं पाओगे, थोड़ी दिक्कत है। कोट हैंगर वगैरह आपका यहाँ पर है, कोट हैंगर आपका एक यहाँ पर भी देखने को मिलता है। बाकी सनरूफ को एक बार खोल के दिखा दूँ तो फील भाई कुछ ऐसा देखने को मिलता है, मतलब एम्बियंस हाँ ठीक है, थोड़ी छोटी गाड़ी तो भाई है ही ना, सब कॉम्पैक्ट 4 मीटर एसयूवी, आप क्रेटा या सेल्टोस से कंपेयर नहीं कर सकते ना इसको, वेन्यू से कंपेयर कर लो तो ठीक है, बट प्रीमियम लगती है, बढ़िया लगती है। आगे देखो इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो यार मेरी तरफ से भाई यही था भाई ऐसे करके बंद। इस गाड़ी के अंदर कैसी लगी आपको ये गाड़ी, दिस इज द ब्रीजा टॉप मॉडल ZXi+ एंड भाई मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर है। गाइस मिलते हैं भाई अगले वीडियो के, तब तक लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर भाई, लव यू ऑल।